108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघन अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी शिनिताई गोर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्रीमद राधा रमन चरणदास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फल स्वरूप श्री धाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर 108 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का 106वां दिवस है।
और जैसा कि आपको ज्ञात है, भक्तमाल जी की कथा के मध्य में 105 और 106 दिवस के दो दिवसीय मनोरथी यजमान जो कि राजस्थान जोधपुर के निवासी हैं, श्री विष्णु नारायण जी और श्री सत्य नारायण जी, जो अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में ये दो दिवस भक्तमाल जी का मनोरथ कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही उनके पिताजी का शरीर पूरा हुआ, सेठ श्री मदन गोपाल जी वैद्य। तो उनकी पुण्य स्मृति में ये दो दिवस का मनोरथ, जिसमें कल तो श्री नारायण स्वामी जी के चरित्र को श्रवण किया था, जिनकी श्री गिरिराज जी में कुसुम सरोवर के निकट आज भी समाधि है, जहां उनको प्रत्यक्ष रूप में श्री युगल सरकार का दर्शन हुआ था। उनके चरित्र को कल श्रवण किया और आज वृंदावन के ही एक अत्यंत महान संत जिनका नाम था श्री हरिदास बाबा, और जो कैसे भजनानंदी हुए कि जो जगन्नाथपुरी से श्री जगन्नाथ भगवान को अपने प्रेम के वशीभूत वृंदावन ले आए। आज भी वृंदावन में जगन्नाथ घाट और जगन्नाथ जी का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है, और शायद क्षेत्रफल की दृष्टि से भी परिक्रमा मार्ग में शायद सबसे बड़े मंदिरों में जगन्नाथ जी का मंदिर है। आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो आप सबने जगन्नाथ जी के मंदिर का दर्शन किया होगा। तो उन जगन्नाथ जी के मंदिर में जो जगन्नाथ जी हैं, उनको सुदूर जगन्नाथपुरी से पैदल लाने वाले परम भगवदीय नामनिष्ठ संत श्री हरिदास बाबा जी, उनके चरित्र को आज हम श्रवण करेंगे। बंधुओं, भगवान के सारे ही धाम नित्य हैं, शाश्वत हैं, चिन्मय हैं, और भगवान की स्वरूप शक्ति से ही प्रकट हैं। धाम और धामी में कोई अंतर नहीं है, ऐसे नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों परस्पर अभेद हैं, और इन चारों में सबसे अधिक दयालु और सर्वसुलभ अगर कोई है तो वो नाम और धाम है। क्यों? क्योंकि भगवान के रूप का प्रकाश, उनका साक्षात्कार तो हर किसी को नहीं हो सकता। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसी के दिव्य अंतःकरण में दिव्य रूप का प्रकाश होगा। ऐसे ही प्रभु की लीला का अनुभव भी हर किसी को नहीं हो सकता। प्रभु की दिव्य लीला का अनुभव भी उन्हीं को होगा जिनका चित्त शुद्ध हो चुका होगा, साधन भक्ति पूर्ण करके जो प्रेमा भक्ति की स्थिति में पहुंच चुके होंगे। लेकिन रूप और लीला, इन दो की कृपा
इन दो का साक्षात्कार, इन दो को ग्रहण कर पाना तभी संभव होता है जब मन, चित्त, बुद्धि, अंतःकरण दिव्य हो जाता है। लेकिन नाम और धाम ये दो ऐसे हैं जो मलिन चित्त वालों को भी आश्रय प्रदान कर देते हैं। जैसे भगवन नाम प्रेमी महापुरुष भी ले रहे हैं, और भगवन नाम जो अभी साधक हैं अथवा साधक नहीं भी हैं वे भी ले रहे हैं। भले उनको आस्वादन न हो रहा हो, नाम ग्रहण करके अश्रुकंप पुलक न हो रहा हो, पर नाम तो ग्रहण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। कोई बिना भाव के भी यदि नाम ग्रहण करता रहे तो एक दिन वह नाम भगवान उसके अंतःकरण को पावन कर देंगे, वह नाम भगवान उसको नामी के योग्य बना देंगे, प्रभु के बैठने लायक उसके चित्त को सजा देंगे, पवित्र कर देंगे। ऐसा नाम का प्रभाव है। तो रूप और लीला तो पात्र देखकर कृपा करते हैं, पर एक तो भगवान नाम, ये पात्र अपात्रता नहीं देखते, कृपा करते हैं। और दूसरे धाम, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम अयोध्या, श्रीधाम चित्रकूट, जितनी भी भगवत लीला स्थली हैं उन सब में व्यक्ति जा पाता है। भले प्रभु की कृपा से जा पाता है, पर जो भजन नहीं भी करता है, जो साधक नहीं भी है, पवित्र अंतःकरण वाला नहीं भी है, वह भी धाम जा पाता है। धाम सीमा पर रोकते नहीं है, अरे इसने भजन नहीं किया, ये तो अवैष्णव है, रोकते नहीं है। कोई भी स्वच्छंद रूप से धाम आ सकता है। तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों परस्पर अभेद हैं। अभेद माने एक ही हैं, भगवान के समान ही चारों में शक्ति है। पर उन नाम, रूप, लीला, धाम में नाम और धाम ये सबसे अधिक पतित पावन और दयालु हैं। अर्थात कोई धाम का आश्रय लेके नाम का आश्रय ले ले, अथवा नाम का आश्रय लेके धाम का आश्रय ले ले, तो उसकी बात बन के रहेगी। इस मनुष्य शरीर का जो परम चरम फल है भगवत चरणारविंदों के प्रेम की प्राप्ति, वो उसको होकर रहेगी। और दोनों का न ले पाए तो दोनों में से किसी एक का ले तो भी काम बनते देखा गया है। केवल नाम का ले, गणिका ने तो केवल नाम का ही आश्रय लिया था। धाम का आश्रय ले, कितने कितने ऐसे भक्तमाल जी में वृतांत हैं, धाम का आश्रय लिए और कल्याण को प्राप्त हो गए। तो नाम और धाम पात्र अपात्र का विचार नहीं करते। तो धाम भी प्रभु के ही समान है, प्रभु की स्वरूप शक्ति का प्रकाश है, और नाम और नामी में तो कोई अंतर है ही नहीं। प्रभु के रूप अनेक हैं, प्रभु के नाम अनेक हैं, तो प्रभु के धाम भी अनेक हैं। वो अनंत रूप रूपाएं हैं तो उनके धाम भी अनंत हैं। पर उन अनंत धामों में श्री धाम वृंदावन, श्री ब्रजमंडल, ये मुकुट मणि के समान है। यह श्री धाम वृंदावन हृदय है, सारी पुरियां सब धाम भगवान का श्रीअंग है। तो उसमें ब्रजमंडल श्री धाम वृंदावन भगवान का हृदय है। यदि हम आप वृंदावन वास कर रहे हैं,
या वास नहीं हो पा रहा, समय समय पर वृंदावन आते हैं, ब्रज में आते हैं, तो यही सोचकर वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए कि हम राधा माधव के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। राधा माधव के हृदय में यदि हम धाम में रह रहे हैं तो समझिए हम राधा माधव के हृदय में रह रहे हैं। हमारे हृदय में भले राधा माधव न रह रहे हों, पर हम अगर वृंदावन में रह रहे हैं तो राधा माधव के हृदय में रह रहे हैं। यह श्रीधाम वृंदावन जुगल सरकार का हृदय है, उनका प्रेम ही धाम के रूप में परिणित हो गया है। तो धाम अनेक हैं, चूंकि प्रभु के रूप अनेक हैं, पर जैसे प्रभु के समस्त रूपों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, सारे वेदों का सार पुराणों में वेद व्यास जी ने कहा, और सारे पुराणों का सार अंत में श्रीमद् भागवत जी में कहा, और अंत में श्रीमद् भागवत जी में श्री वेद व्यास जी ने यही कहा कि एतै चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण सब अवतारों के अवतारी मूल हैं और स्वयं भगवान है, वह किसी के अवतार नहीं है, सब उनके अवतार हैं। सबके मूल में गोलोक बिहारी वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण है। तो चूंकि सब अवतारों के अवतारी श्री कृष्ण हैं, इसलिए सब धामों के धामी भी श्री ब्रज श्री धाम वृंदावन है। इसलिए ग्रंथों में जैसी महिमा, जितनी महिमा ब्रज की गाई गई है, जितनी महिमा श्री धाम वृंदावन की गाई गई है, उतनी महिमा शायद अन्य धामों की नहीं गाई गई। और आप विचारेंगे तो शायद एक ब्रज ही ऐसा धाम है जिस ब्रज की रज को तिलक के रूप में माथे पर लगाया जाता है, बाकी सब जगह तो चंदन का तिलक, रोली का तिलक, कुमकुम का तिलक, केसर का तिलक, पर ब्रज में ब्रज की रज का ही तिलक है। जहां की मिट्टी का ही तिलक लगता हो, रज रानी का तिलक लगता हो, ऐसे श्री ब्रज हैं। और भगवान के अनंत अवतारों में शायद कोई अवतार ऐसा नहीं है जिस अवतार में भगवान ने अपने धाम की रज को चख के देखा हो, खाया हो, किसी अवतार में नहीं। एकमात्र श्री कृष्ण अवतार ब्रज लीला, जहां ठाकुर जी ब्रज रज खाते हैं। भागवत जी में हम श्रवण किया करते हैं, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। ब्रज रज चखी है, और एक बार नहीं, एक बार ब्रज रज चखी तो यशोदा मैया ने उनको डांट लगा दी। तब ठाकुर जी बोले, अरे मैंने तो ब्रजरज चखी, लेकिन मैया ने तो डांट लगा दी, अब दोबारा ऐसा करूंगा तो मैया मारेगी, तो क्या करूं, मैया की मार से भी बच जाऊं और ब्रजरज भी खूब अच्छे से चखूं, ब्रजरज खाऊं। तो हम लोग सुनते हैं भागवत जी में कि जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए ठाकुर जी की परीक्षा करने के लिए, वो सखाओं का झूठा पा रहे थे, उनको पवा रहे थे, तो ब्रह्मा जी को देख करके लगा कि ये श्री कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, यदि हैं तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। अब ब्रह्मा जी ने परीक्षा बहुत जोरदार ली, भगवान सखाओं के साथ में बछड़ा चराने आए थे यमुना तट पर, और ब्रह्मा जी ने अपने बल से सारे बछड़ा चुरा लिए, और फिर ग्वाल बाल भी बाद में चुरा लिए, कथा हम लोग सुनते हैं। तो उस समय भगवान तो सर्वसमर्थ हैं,
अरे ब्रह्मा जी ने चुरा लिए चुरा लिए, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी तो भगवान के सेवक हैं, वे अपना प्रभाव दिखा के ले आते वापस। पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। जब ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा कर ले गए तो श्री कृष्ण ने ही जितने बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराए थे, श्री कृष्ण ने उतने अपने रूप बना लिए, उतने बछड़ा बन गए प्रभु। और कितने दिन तक बने रहे आप जानते हैं? 1 वर्ष तक भगवान बछड़ा बने रहे, स्वयं बने रहे। फिर 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को भूल का ज्ञान हुआ, तब क्षमा मांगी और असली बछड़ा तब प्रकट हुए। तो ठाकुर जी 1 वर्ष तक बछड़ा बने रहे, क्यों? उपायों की तो कमी नहीं उनके पास, वो तो सख्त संकल्प हैं, संकल्प करते ही सब काम हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु को ब्रज रज चखनी थी, उस बार नहीं चख पाए, मैया ने टोक दिया, डांट लगा दी। तब अनंत बछड़ों के रूप में ठाकुर जी ने कहा, मैं बछड़ा बन जाऊंगा तो ब्रज रज चखने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो घास खाने के बहाने बछड़ा के रूप में ठाकुर जी इस ब्रज रज का आस्वादन करते हैं, चाटते हैं। कोई कहेगा कि ब्रज रज भगवान को इतनी प्यारी क्यों है? वो बाल लीला में पाते हैं, वो बाल लीला में कभी ब्रज रज में लौटते हैं और बछड़ा बन करके। क्यों? क्योंकि यह ब्रज रज केवल श्री कृष्ण के चरणों की रज नहीं है, ए ब्रजरज श्री राधिका जी के चरणों की रज भी है, ए ब्रजरज समस्त गोपांगनाओं के चरणों की रज भी है, ये ब्रजरज समस्त ब्रज भक्तों के, ग्वाल बालों के, जसोदा जी, नंद जी, गोप और अनंत गोमाता। ब्रज शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रज शब्द का अर्थ ही गोष्ठ होता है, बहुत बड़े गोष्ठ को ब्रज कहते हैं, वृद्ध आकार के गोष्ठ को। आप ग्रंथों में दर्शन करिए, प्रभु की प्रकट लीला में करोड़ों गायों ने ब्रज में निवास किया है। तो ब्रजरज इतनी प्यारी क्यों है? चूंकि प्रभु की प्राण प्यारी गोमाता की चरण रज ब्रजरज में विराजमान, प्रभु के अत्यंत प्रिय गोप ग्वाल गोपांगनाएं और प्रियाओं की शिरोमणि श्री राधिका जी की चरण रज श्री ब्रज रज में विराजमान है। और बंधुओं, प्रभु की एक प्रतिज्ञा है श्रीमद् भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मेरी शरण ग्रहण करता है, अर्थात मुझको जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसे भजता हूं। तो ब्रज भक्तों ने श्री कृष्ण से जैसा प्रेम किया है, ऐसा प्रेम शायद प्रभु को कहीं नहीं मिला। और इसीलिए भगवान जितना ब्रज भक्तों के अधीन हुए हैं, उतना कहीं अधीन नहीं हुए। कहीं ऐसा भगवान देखा आपने कि भक्तों ने उसको चुटकी बजा बजा के नचाया हो? गोपियों ने एक छछिया पर छाज के पीछे गोविंद को नचाया और नाचे, जशोदा जी ने कान पकड़ के संटी दिखा के डराया, ठाकुर डर गए, उखल से बांधा, बंध गए। श्री सेवा कुंज में राधा रानी के चरण दबा रहे हैं, प्रेम की अधीनता की हद हो गई, हद हो गई। शायद दुनिया में कोई मनुष्य इतनी अधीनता न स्वीकार करे जितनी भगवान ने की। क्यों? क्योंकि उनका नियम है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है, जैसे प्रेम करता है, मैं उसको वैसे ही प्रेम करता हूं। तो श्री कृष्ण ब्रज भक्तों के प्रेम के अधीन है और प्रभु हर चीज अनंत गुना बढ़ा कर देते हैं, लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम को अनंत गुना बढ़ा कर नहीं दे पाए। तब श्री कृष्ण ब्रजवासियों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करके, मुख में डाल करके अपने आप को पवित्र मानते हैं। तो ब्रज रज की
अनंत महिमा है। और हमारा जो 84 कोष ब्रजमंडल है, पूर्व में ब्रज 84 कोष की यात्रा हुई है, सबने दर्शन किया, और अभी फिर आगे 4 दिसंबर से ब्रज 84 कोष की यात्रा है। तो हम ब्रज 84 कोष की यात्रा में दर्शन करते हैं, वहाँ सत्संग कथा का भी सुख प्राप्त करते हैं, तो देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ ब्रज में भी हैं। पूरे भारत में दर्शन करिए अथवा ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर लीजिए। बद्रीनाथ जी ब्रज में हैं, केदारनाथ जी ब्रज में हैं, गंगोत्री ब्रज में हैं, यमुनोत्री ब्रज में हैं, रामेश्वरम ब्रज में हैं, सेतुबंध ब्रज में हैं, जो पूरे भारतवर्ष के तीर्थ हैं। आप जो ब्रज 84 कोष में सम्मिलित थे सब जानते हैं इस बात को। नंद जशोदा जी का मन हुआ था कि हम भारतवर्ष के तीर्थों का, चारों धामों का दर्शन करें। ठाकुर जी ने मैया को कहा, मैया तू बूढ़ी है गई है, कैसे चार धाम की परिक्रमा कर पाएगी, भारतवर्ष का भ्रमण कर पाएगी? अरे लाला मैं बूढ़ी हो गई पर मैंने तीर्थ नहीं किए। तब ठाकुर जी ने कहा, मैया ब्रज छोड़कर और कोई तीर्थ करवे की आवश्यकता नहीं। अरे लाला तू तो ऐसे ही कहे, ले जानू नहीं चाहे मुए। तब ठाकुर जी ने नंद बाबा जशोदा जी को कहा, बाबा सारे विश्व के तीर्थ ब्रज में ही हैं। कथा सुनते हैं हम लोग, और फिर जो जो मैया ने जहां जहां कहे, अरे मोकू तो केदारनाथ जाने, चलो मैया केदारनाथ। और ठाकुर तो सर्वसमर्थ हैं, सारे तीर्थ प्रकट कर दिए। केदारनाथ जी, मैया कहे बद्रीनाथ जी तो बद्रीनाथ जी प्रकट कर दिए, मैया कहे गंगोत्री तो गंगोत्री, हरिद्वार तो हरिद्वार, जमुनोत्री, तो सारे तीर्थ ब्रज में हैं। तो एक कथा तो यही है कि श्री कृष्ण ने अपने माता पिताजी के लिए सारे तीर्थों का आह्वान किया। श्री राधा कुंड, श्री कृष्ण कुंड में ब्रज के जितने, इस विश्व के जितने पवित्र सरोवर हैं, नदियां हैं, वह सब श्री राधा कुंड में है। अहोई अष्टमी के दिन तो श्री राधा कुंड का प्राकट्य है ना, कथा हम लोग भागवत जी में सुना करते हैं। तो सारे तीर्थों के जितने जल हैं वो श्री राधा कुंड में है। श्री राधा कुंड जल को प्रणाम किए, आचमन किए, स्पर्श किए, समझिए सारे तीर्थों के, भारत नहीं विश्व में जितने तीर्थ हैं उन सब का आचमन हो गया, पवित्र जल के स्पर्श हो गए। तो प्रभु ने माता पिताजी के लिए अथवा श्री जी के लिए प्रकट किए, एक कथा तो ये है ही, पर अंतर कथा ये भी है कि सारे तीर्थ ब्रजवास करना चाहते थे, सारे तीर्थ ब्रजवास करना चाहते थे। प्रयागराज की कथा तो पूर्व में आप सुन चुके हैं कि एक बार नंद जसोदा जी बोले, लाला जब सब तीर्थ हो गए, अब ठाकुर जी ने सब ब्रज में ही तीर्थ प्रकट करवा दिए, तो अच्छा लाला ठीक है सब तीर्थ हो गए, पे हमको एक बार प्रयागराज तो स्नान करवा दे तू। अरे प्रयागराज तो तीर्थराज हैं, और सबरे तीर्थ किए कि नहीं किए, प्रयागराज में ही जाके हाजिरी लगती है, वो तो राजा हैं। ठाकुर जी ने कही, बाबा प्रयागराज भी यही है, और ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में जब ऊंचा गांव जाते हैं तो वहां तो त्रिवेणी कूप है, सबने उस जल का आचमन किया था, उसकी रज को लगाया था, साक्षात वहां प्रयागराज निवास करते हैं। तो ठाकुर जी ने नंद बाबा को कहा, बाबा प्रयागराज जावे की आवश्यकता नहीं, अरे ब्रज से बढ़ के तो कोई स्थान नहीं है। पर नंद बाबा नहीं माने, समझाए तो बालक का भाव है, नहीं माने, नहीं नहीं लेके चल। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैया बाबा को छकड़ा में विराजमान कर लिया और स्वयं ठाकुर जी लेकर के चले छकड़ा को, और जैसे ब्रज से बाहर को चले, ब्रज की सीमा पर आए, तभी नंद बाबा ने क्या देखा,
कि एक काले रंग का पुरुष ब्रज में आ रहा है। काले रंग का पुरुष है, बहुत दिव्य ब्राह्मण, पर काले रंग का है, आ रहा है। अब बाबा तो ब्रजवासियों को सबको पहचानते हैं, बाबा को लगा ब्रज का सा तो नहीं है, देखे। फिर क्या देखा कि उस काले रंग के तेजस्वी ब्राह्मण ने ब्रज की सीमा में प्रवेश किया। बाबा ने लाला को कही, लाला ने गाड़ी रोक, मैं देखूं कौन है। देखे तो वो प्रवेश किए और प्रवेश करके ब्रज रज में लौटने लग गए। वो काले रंग के ब्राह्मण दिव्य सारे शरीर पर ब्रज रज लगाए, लोट पोट करें, स्नान करें। बाबा को बड़ा कौतूहल हुआ, लाला ने बैलगाड़ी पास लेके चल पहुंचे। तब कही, महाराज आप कौन हो और क्यों धूर में स्नान कर रहे हो, ब्रज रज में स्नान कर रहे हो, कौन हो, अपना परिचय दो। तब उस काले रंग के पुरुष ने हाथ जोड़कर नंद बाबा को कहा, महाराज मैं प्रयागराज हूं। नंद बाबा ने कही, प्रयागराज? बोले हाँ। बोले, महाराज हम तो आप ही के पास जा रहे थे स्नान करने, आप यहां क्यों आए हो? प्रयागराज ने कही, बाबा लोग स्नान कर करके मेरे पास सब पाप छोड़ जाएं, अब पाप इकट्ठे हो जाएं मेरे पास, तो फिर जब पाप इकट्ठे होते 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 पाप अपराध का बोझा बढ़ जाए तो फिर मैं ब्रज में आऊं समय समय पर, और ब्रज रज में जब स्नान करूं तो मेरे भी सबरे पाप ताप कट जाएं और मैं पवित्र होकर के फिर अपने स्थान को चला जाऊं। अरे ये सुन करके तो बाबा की मति घूम गई और ठाकुर जी से की, कन्हैया तू बैलगाड़ी वापिस घुमा ले, अब नहीं जानो हमें कहीं प्रयागराज, हमें किसी तीर्थराज में। अरे तीर्थराज तो या ब्रजरज में स्नान कर रहे और हम कहीं जाएं? मुक्ति देवी, मोक्ष जिनके लिए योगी ज्ञानी लोग ललायित रहते हैं, सब चाहते हमारा मोक्ष हो जाए, वैष्णव तो नहीं चाहते मोक्ष हो। मोक्ष का अर्थ होता है जीवात्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, मिल जाना, रसगुल्ला बन जाना, ये है मुक्ति, मोक्ष। लेकिन वैष्णव मोक्ष नहीं चाहे, वे भगवान में मिलना नहीं चाहे। अब बताइए, रसगुल्ला बनने में सुख है कि रसगुल्ला पाने में सुख है? बनने में काहे का सुख है, पाने में सुख है। तो मुक्ति है रसगुल्ला बनना और भक्ति है रसगुल्ला पाना। तो भक्त मोक्ष नहीं चाहे, भक्त क्या चाहते हैं? भक्त चाहते हैं कि हमको प्रभु का सेवा सुख प्राप्त हो, लीला सुख प्राप्त हो। यदि हम मिल जाएंगे तब तो क्या होगा, सेवा सुख तो प्राप्त नहीं होगा ना, दर्शन तो प्राप्त नहीं होगा ना। वो सुख तो तब प्राप्त होगा जब हम अलग प्रभु अलग। प्रेम तो दो लोगों में होगा ना, अकेला कोई कैसे प्यार करेगा? कोई अकेले परिवार में, परिवार किसको कहते हैं? जब बाल बच्चों के साथ, पत्नी पति के साथ व्यक्ति रहता है और हर व्यक्ति चाहता है मैं परिवार के साथ रहूं, और बहुत बड़ा घर हो, अकेला कोई रहे अच्छा नहीं लगेगा उसको, अकेले रहना, किसी ना किसी को ढूंढेगा वो। तो मोक्ष तो भगवान में विलय हो जाना है, लेकिन भक्त वैष्णव ब्रजवासीगण मोक्ष नहीं चाहते, वह भगवान के लीला सुख को चाहते हैं। तो मुक्ति देवी जो सबको मुक्ति देती हैं, एक बार साक्षात मुक्ति देवी ब्रज में आई और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी पहचान गए, कहो। तब मुक्ति देवी ने कहा, महाराज मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। हाँ हाँ कहो, क्या कष्ट है? प्रभु आपने मुझको सेवा दे रखी है सबको मुक्ति देने की, और ज्ञानी लोग, योगी लोग सब मेरी कामना करते हैं और मैं मुक्ति देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आगे बोलो। पर महाराज मुझे होता है कि मैं तो सबकी मुक्ति करवा रही हूँ, मेरी मुक्ति कब होगी? मैं तो सबकी मुक्ति करवा रही हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब ठाकुर जी बहुत जोर हंसे, बोले मुक्ति को भी मुक्त होने की इच्छा हो रही है,
तो क्या उपाय है? तब श्री कृष्ण ने कहा, मुक्ति देवी घबराओ मत, ये जो ब्रजरज है ना, इस ब्रजरज में लोट लगाओ, इस ब्रजरज को मस्तक पर धारण करो तो क्या होगा, तुम भी मुक्त हो जाओगी, मेरे धाम को प्राप्त कर लोगी। तो जो मुक्ति देवी सबको मुक्त करती हैं बंधुओं, वो मुक्ति देवी स्वयं कहां मुक्त होती हैं? बड़ा प्रसिद्ध दोहा है संतों का, मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त होई जाए। श्री ब्रजरज के स्पर्श से मुक्ति भी मुक्त होती है, तो इस ब्रज की तो कितनी महिमा गाई जाए, अनंत महिमा है। कोई ऐसा धाम नहीं जहां उस धाम के धामी माने जिन अवतार ने लीला की हो उस धाम में नंगे पैर रहे हो। कोई लीला बताइए, कोई स्थान आप बताइए, कोई नहीं है। एकमात्र ब्रज वृंदावन ऐसा है जहां संपूर्ण लीला में हमारे प्राण वल्लभ ठाकुर राधा माधव पादुका नहीं पहरते। कोई किसी ग्रंथ में लिखा बताए कि राधा रानी ने पादुका पहरी हो, श्याम सुंदर ने पादुका पहरी हो, ओ भक्तजन तो पधरा देते हैं पादुका अपने अपने कल्याण के लिए कि बार बार चरण स्पर्श करने में प्रिया प्रियतम को कष्ट होगा तो पादुकाओं का स्पर्श करते रहेंगे ताकि, पर बाकी ब्रज में पादुका नहीं, न श्रीजी धारण करती हैं न श्याम सुंदर धारण करते हैं, उनको ब्रजरज इतनी प्रिय है, ऐसी ब्रज की महिमा है। यहां एक इंच भूमि भी ऐसी नहीं जहां करोड़ करोड़ बार राधा माधव के चरण न पड़े हों। यहां कन कन में शंकर है, यहां पग पग पे तीरथ है। तो भगवान के रूप अनेक, इसलिए भगवान के धाम अनेक, पर जैसे सारे स्वरूपों में अवतारों में कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही अवतार मुकुट मणि है, ऐसे ही सब धामों में श्री ब्रज श्री वृंदावन मुकुट मणि है। और इन ब्रजवास के लिए बड़े बड़ों ने कामना की है साहब, भागवत जी में सुनते हैं ना, श्री उद्धव जी महाराज श्री जी को कहते हैं, आसाम अहो चरण रेणु जुशाम अहम श्याम, वृंदावने किम अभी गुल्म लता औषधिना। हे प्रिया जी, हमें ब्रज की लता पता बना दीजिए, औषधि बना दीजिए। विचारक लोग विचार करते हैं कि उद्धव जी ने बड़े पेड़ बनने को क्यों नहीं कहा, वे ये कह देते ना चलो वृक्ष की योनि में जाना चाहते थे तो कोई ऊंचा वृक्ष बनने को कह देते, पीपल बना दो, नीम बना दो, बरगद बना दो, बट बना दो। नहीं, क्या कहा, आसाम अहो चरण रेणु जुशाम अहम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधिनाम। लता पता बना दीजिए। किसी ने उद्धव जी से पूछा, अरे ब्रजवास करना था वृक्ष की योनि में तो ऊंचे वृक्ष बनते ना, लता पता क्यों? उद्धव जी ने कहा, अरे भैया वृक्ष बन जाता तो जो मनोरथ के लिए बना वो पूरा ही नहीं होता। क्यों? बोले, मैं ब्रजवास इसलिए करना चाहता हूं कि जो प्रभु के प्राण प्यारे ब्रजभक्त है ना, गोपीजन है ना, ग्वाल है ना, गोप है ना, इनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़े। वह चरण रज तब तक नहीं पड़ेगी तब तक राधा माधव के प्रेम को ग्रहण करने की पात्रता नहीं आएगी। और ऊंचे पेड़ पर रज कैसे गिरेगी? पर अगर छोटी लता पता बन जाएंगे, कोई पौधा बन जाएंगे, तो जरूर चलती हुई गोपियों की ग्वाल बालों की चरण रज हम पर पड़ेगी और हम कृतार्थ होंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये स्वयं भगवान के सखा बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव कह रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी पुष्कर खंड में कहते हैं,
कि मैंने 60,000 वर्ष तक पुष्कर में तपस्या की, क्यों मुझे ब्रजवास प्राप्त हो। आज भी ब्रह्मा जी ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में, जिस पर्वत पर राधा रानी का बरसाने में मंदिर है, उस पर्वत के रूप में साक्षात ब्रह्मा जी ही ब्रजवास कर रहे हैं। साक्षात शंकर जी वृंदावन में तो गोपेश्वर महादेव के रूप में है ही, नंदगांव जिस पर्वत पर बसे हैं, नंदीश्वर पर्वत, उसके रूप में साक्षात शंकर ही ब्रजवास कर रहे हैं। तो सब ऋषि महर्षि मुनि देव सब ब्रजवास को ललायित हैं और करते हैं, और सबकी छोड़िए स्वयं श्री कृष्ण। कोई अवतार की लीला बताइए, भले ठाकुर जी प्रकट रूप में ब्रज में 11 वर्ष रहे हों और फिर मथुरा पधारे हों, द्वारिका पधारे हों, 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों से मिलन हुआ हो, पर आप भागवत जी का दर्शन करिए या ब्रज रसिकों की वाणी का दर्शन करिए, ब्रज से जाने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब सब श्री कृष्ण ब्रज की याद करके रोए न हो जी भर के। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उससे ब्रज नहीं भुलाया जाता, नहीं भुलाया जाता। कितना रोए है श्री कृष्ण, ऐसी ये ब्रज की महिमा है, ये ब्रज इतने प्यारे हैं। तो देव नहीं, ऋषि नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भी ब्रज के प्रति इतने आकृष्ट रहते हैं, ललायित रहते हैं, और अनंत रूपों में वह ब्रजवास करते हैं। आप सोचेंगे आज इतनी बड़ी भूमिका क्यों, चरित्र तो हरिदास बाबा का कहना था, पर इतनी बड़ी ब्रजरज की भूमिका क्यों। ये भूमिका इसीलिए क्योंकि जिन महापुरुष का चरित्र आज होना है, उन महापुरुष का भजन तो था ही, उन महापुरुष का आर्त तो होगा ही, पर ठाकुर जी जो उन महापुरुष के बहाने ब्रज में आए जगन्नाथपुरी को छोड़ करके, तो उन ठाकुर जी को ब्रजवास की बहुत भारी लालसा थी, लार टपक रही थी जगन्नाथ जी को ब्रज में बसने की। तब ठाकुर जी ने, अब प्रभु जैसे भक्त भगवान के प्रति अपने मनोरथ पूरे करता है ना, कोई कथा में मनोरथ करते, कोई सेवा में मनोरथ करते, 56 भोग का मनोरथ हो रहा है, विवाह का मनोरथ हो रहा है, गर्मी में नौका का मनोरथ होता है, कभी फूल बंगला का, कभी जल विहार का, तो वैष्णव लोग कितने मनोरथ करते हैं। तो भक्त भगवान के प्रति मनोरथ करता है, और कभी एक ऐसी स्थिति होती है जब भगवान भक्त के प्रति मनोरथ करते हैं। वे हैं तो सर्वतंत्र स्वतंत्र, सब कुछ समर्थ हैं, लेकिन अर्चा अवतार के रूप में भगवान का जो वचन है ना, अहम भक्त पराधीनो, ये वचन प्रभु का अर्चा अवतार में, अर्चा अवतार के रूप में प्रभु का ये वचन 100% निभता है। मैं भक्त के अधीन हूं, किस रूप में, अर्चा अवतार। अर्चा अवतार माने हमारे आपके घर में जो विराजमान ठाकुर जी हैं, जैसे प्रभु के अनेक अवतार है ना, नरसिंहा अवतार, वामन अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, श्रीराम अवतार, परशुराम अवतार, अनेक अवतार हैं। ऐसे हमारे आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, अथवा मंदिर में जो श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, ये भी अवतार हैं। इस अवतार का नाम है अर्चा अवतार। अर्चा अवतार माने भगवान ने जो स्वरूप भक्त की अर्चना को ग्रहण करने के लिए प्रकट किया है, भक्त के भाव को स्वीकार करने के लिए जिस अवतार में प्रभु प्रकट हुए हैं, उस स्वरूप को अर्चा अवतार कहते हैं। इसलिए वैष्णवों में मूर्ति नहीं, अगर घर में विराजमान ठाकुर जी को मूर्ति कह दिया तो ग्रंथ में उल्लेख है 1 वर्ष की सेवा नष्ट होती है।
अगर मन में विचार आ गया, अरे ये तो पीतल की मूर्ति, ये तो लकड़ी की मूर्ति, ये तो फोटो है, नहीं नहीं नहीं, हम मंदिर में जिन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो भले हमारे गोपाल हैं, युगल हैं, अथवा चित्रपट रूप में ठाकुर जी हैं, साक्षात भावना करिए, साक्षात गरबैया दे के जुगल बैठे हैं। अब मूर्ति की भावना करेंगे तो कैसे कृपा मिलेगी? तो वह भी अवतार है, उनको कहते हैं अर्चा अवतार। और इस अर्चा अवतार के रूप में ठाकुर जी पूर्णतः भक्त के अधीन होते हैं। बताइए, होते हैं कि नहीं होते? भक्त जब उठाता है तब उठते हैं, भक्त जब नहलाता है नहाते हैं, भक्त जो पहनाता है जैसे पहनाता है। मेरा तो मन है आज मैं पीली पोशाक पहनाऊंगा, ठीक है पहना लो, आज ऐसे मुकुट लगाऊंगा, आज ऐसे माला पहनाऊंगा, जैसे जैसे भक्त सजाना चाहता है खिलौना बनके ठाकुर सब स्वीकार करते हैं। जो पवाना चाहता है, अरे आज तो ये मन है रसोई में ये बनना चाहिए, ठीक है, ऐसे आरती हो ठीक है, ऐसे उत्सव हो ठीक है। गृहस्थी में कितने ऐसे भाई बहन है, कोई हमको आके कहते हैं कि हम तो सुबह 5 बजे ही ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं, सेवा करके ही फिर भजन करते हैं, अच्छी बात है। कोई कोई कहते हैं नहीं नहीं हम 5 बजे नहीं कर पाते, हम 9 बजे करते हैं, उससे पहले समय नहीं मिल पाता, ठीक है साहब 9 बजे कर लीजिए। कोई कहते हैं हम दोपहर का भोग महाराज जी 10:30 बजे लगा देते हैं, जल्दी बन जाती है दोपहर की रसोई। कोई कहते हैं नहीं नहीं 10 बजे तो हमारे यहाँ बाल भोग ही पूरा होता है, दोपहर की रसोई तो 2 बजे बनती है, हम 2 बजे राजभोग रखते हैं, ठीक है। कोई कहते हैं हम संध्या आरती 5 ही बजे कर लेते हैं, कोई कहते हैं नहीं ऑफिस से आने में देर हो जाती है 8 बजे संध्या आरती करते हैं, कोई बात नहीं। कोई कहते हैं हम तो 7 बजे शयन करवा देते हैं, अच्छी बात है। कोई कहते हैं नहीं नहीं दुकान से आने में देर हो जाती है, हम 10 बजे शयन करवाते हैं, ठाकुर सब स्वीकार करते हैं। वे केवल हमारा प्रेम चाहते हैं, सेवा इसका अर्थ ये नहीं कि सेवा आगे पीछे करें, पर हमारी परिस्थितियां ठाकुर जानते हैं, पर सेवा अवश्य करनी है साहब। घर में ठाकुर जी जरूर हो, अगर घर में स्वामी नहीं है तो अर्थ नहीं है ना, हम तो नौकर हैं, हम तो स्वामी नहीं है, गोविंद स्वामी है। अब वो घर कैसा जिसमें उसका मालिक नहीं रहता, तो ठाकुर मालिक हैं। जो श्याम सुंदर को ठाकुर जी कहा जाता है उसका अर्थ क्या है? ठाकुर अर्थ ये थोड़ी के ठाकुर का अर्थ होता है स्वामी, ठाकुर का अर्थ होता है मालिक। गोविंद मेरे ठाकुर हैं, बिहारी जी मेरे ठाकुर हैं, राधा रमन जी मेरे ठाकुर हैं, मैं कौन हूं? वे ठाकुर है, मैं पुजारी हूं, मैं सेवक हूं, मैं नौकर हूं, मैं माली हूं, मालिक मेरे गोविंद हैं। तो सेवा जरूर विराजमान, और सेवा फिर पूरी भावना से होए, साक्षात भाव से होए, भले कम बन पड़े, जितनी संभाल सकते हैं उतनी बन पड़े, पर सेवा होए साक्षात भाव से। तो अर्चा अवतार के रूप में प्रभु पूरे अधीन है, नहीं है अधीन, जैसे जो सेवा करिए वे स्वीकार करते हैं और भक्त को सुख प्रदान करते हैं और कभी नाराज नहीं होते। अन्य पूजा पद्धतियों में बहुत है, क्षमा करें, देवी जी की आराधना करिए, देवी जी की पूजा में जरा ऊपर नीचे हो जाए आपको अनुभव हो जाएगा, देवी जी भूल नहीं स्वीकार करती हैं। देवी जी की आराधना करे कोई, जरा ऊपर नीचे हो जाए मैया अपना रूप दिखा देती हैं। ग्रहों की आराधना करिए, थोड़े बहुत में ही काम बनता बिगड़ जाए, पर आप ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण की आराधना करिए, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि गोपाल नाराज हो रहे हैं, ये लगेगा ही नहीं। कितने भाई बहन ऐसा पूछते हैं, एकादशी व्रत हम रखते हैं, अब महाराज भूल हो गई, गलती से वो मुंह में ध्यान नहीं रहा, बिस्कुट खा लिया, अब क्या करें, अपराध हो गए। तुम कहती भैया सावधान रहना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब खा लिया तो कोई बात नहीं, विस्कार थी नहीं, व्रत छोड़ दो, अब फिर कुल्ला कर लो, क्षमा मांग लो ठाकुर जी से, फिर व्रत निभाओ आगे।
पर आप इसका अर्थ ये नहीं समझ लीजिएगा कि अपराध करने हैं, पर आप देखेंगे भूल होगी और गोविंद क्षमा करते रहेंगे। कितना क्षमा, कितना क्षमा, कितना क्षमा करते हैं। ऐसी सामर्थ्य देवताओं की नहीं है। भागवत जी में सुनते हैं ना, नंद बाबा के पूर्वजों ने हजारों साल इंद्र की पूजा करी, इंद्र दर्शन देने नहीं आया और एक बार नहीं करी तो क्या हुआ? तो सारे ब्रज को बर्बाद करने के उतारू हो गया। ये काम है असमर्थ का, ये असमर्थ का काम है, ये असमर्थ का स्वभाव है। और भगवान का स्वभाव बताइए, जो भजन करते हैं उनको भी रोटी मिल रही है, और जो ये कहते हैं हम नहीं मानते भगवान भगवान को, ठाकुर उनको भी रोटी दे रहा है, अपनी सृष्टि में ऑक्सीजन उनको भी दे रहा है। भगवान ये तो नहीं कह रहे जो भजन करेगा उसे ऑक्सीजन दूंगा, जो नहीं करेगा उसको ऑक्सीजन नहीं दूंगा। घर तो हमने बनाया, गाड़ी तो हमने खरीदी, ये हवा भी हमने खरीदी थी क्या? और आप बताइए, सोने का घर, वो ऑक्सीजन खत्म हो जाए वायुमंडल में तो क्या होगा? फिर ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट को खत्म हो जाए तो क्या होगा? इस सृष्टि पे रहेगा कोई जीवित? सब ही सब पड़े होंगे। तो ठाकुर जी हमसे एयर टैक्स ले रहे हैं क्या? वाटर टैक्स ले रहे हैं क्या? वो दुनिया की सरकारें ले रही होंगी। तो प्रभु का स्वभाव ऐसा है, पर सेवा करनी है, साक्षात भाव से करनी है, अपराध नहीं करने। पर अगर बन भी जाता है कोई तो बहुत क्षमाशील है, बहुत क्षमाशील है। वो शबरी के झूठे बेर भी खा लेते हैं, हम आप नहीं खिला सकते, बहुत क्षमाशील है। कितनी बार ऊपर नीचे बात हो जाती है पर प्रभु स्वीकार करते हैं, कभी भी नहीं लगता कि वे नाराज हैं। करुणा ही करुणा, करुणा ही करुणा बरस रही है, वो अपराधों की ओर देख ही नहीं रहे। अपराध नहीं बनने चाहिए, इस पे सावधान रहे। पर विधि के पालन से ज्यादा ब्रज की भक्ति में प्रेम की महानता है। यहां ब्रज की भक्ति में और जो वैधि भक्ति है उसमें यही अंतर है। अन्य स्थान पर विधि आगे है, प्रेम पीछे है। ब्रज में प्रेम आगे है, विधि पीछे है। यहां हर चीज में प्रेम आगे है। यहां ब्रज के ठाकुर को प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामई केवल, रामई भी नहीं, रामई केवल प्रेम प्यारा। वो केवल प्रेम के प्यारे हैं, रामई केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जो जानना चाहे श्री राम श्री कृष्ण को जान ले। तरीका क्या है? प्रेम। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो अर्चा अवतार के रूप में प्रभु पूर्णतः भक्त के अधीन है, जो उनकी प्रेममयी सेवा करता है। तो बंधुओं, ये घटना आज से लगभग 225 वर्ष पूर्व की है, सन 1800 के लगभग की घटना है। वृंदावन में एक हरिदास जी नाम के महात्मा रहते थे, जिन्होंने बिहारी जी प्रकट किए वे स्वामी हरिदास जी हैं। वे तो 450-550 वर्ष पूर्व हुए, ये बात है 225 वर्ष पूर्व की। हरिदास उनका नाम था। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में, जिसको आज जगन्नाथ घाट कहते हैं, अभी तो यमुना जी वहां से काफी दूर चली गई हैं, पर पहले वहीं लग करके बहती थी, इसीलिए उस जगह को जगन्नाथ घाट बोलते हैं। अब यमुना जी नहीं रही, सड़क बनी है, पर पहले यमुना जी थी वहां। तो वहीं पर यमुना जी के किनारे वो हरिदास नामक बाबा रहते थे, और ब्रज की महिमा सुन के ही, जो भी सब आपने सुना ना ब्रज के विषय में, महिमा सुन के महत्व बुद्धि होती है, इसलिए महिमा जरूर सुनी जाती है। जितने भी व्रत त्योहार होते हैं ना, करवा चौथ का व्रत है, अयोष्टमी का व्रत है, माता बहनों के सकट का व्रत है, तो क्या प्रचलन है? कथा कही जाती है। क्यों? बोले सुनने से महिमा पता चलती है, महात्म सुनने से महत्व बुद्धि होती है, महिमा पता चलती है।
तो उन बाबा हरिदास जी ने ब्रज की महिमा सुनी भी संतों से और ग्रंथों में पढ़ी भी, तमाम पुराणों में ब्रज की महिमा लिखी है, पढ़ी, और ये निश्चय उनको हो गया कि इस जगत में इस ब्रज से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है। सारे विश्व का गुरु, विश्व गुरु तो भारत है, सारे विश्व का मुकुटमणि तो भारत देश है, पर उस भारत भूमि की भी मुकुटमणि ब्रज भूमि है। वे ब्रज में आ गए और नाम जप में लग गए। अभी प्रारंभ में सुना कि धाम का आश्रय लेके नाम का आश्रय, अथवा नाम का आश्रय लेके धाम का आश्रय, ये दो बात बने तो बेड़ा पार। तो वो श्रीधाम वृंदावन में ही निवास करते थे और उस समय इतना तो कोलाहल नहीं था, और वहीं जगन्नाथ घाट तो बाद में नाम हुआ, उस समय तो कोई नाम नहीं था, पर परिक्रमा मार्ग में बाबा पड़े रहते थे और बहुत गोपनीय ढंग से भजन करते थे। कुटिया भी नहीं थी, पेड़ के नीचे ही रहते थे और दो तीन दिन में एक बार मधुकरी के लिए जाते थे और पा करके बस जमुना जल पी करके रहते थे। इतना गोपनीय रूप में उन्होंने भजन किया कि वो कहाँ से आए थे, किसके पुत्र थे, जन्म कहाँ हुआ था, कोई परिचय नहीं। बस यही देखा गया कि परिक्रमा मार्ग पर बहुत दिनों से एक बाबा पड़ा रहता है और बस हा राधा हा कृष्ण, हा राधा हा कृष्ण कहीं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर पड़ा हुआ पुकारता है। कुछ लोग, अब इतनी परिक्रमा तो नहीं लगती थी, आज तो खूब परिक्रमा लगती हैं, पर उस समय विशेष विशेष पर्व पर परिक्रमा लगती थी, आसपास के ब्रजवासी लोग लगाते थे और पक्के रास्ते नहीं थे तो कच्चे में ही जिस तैसे परिक्रमा लगती थी। कभी यमुना जी बढ़ गई तो बीच जल में से ही निकल के जाना पड़ता था, तो इतनी परिक्रमा नहीं लगती थी, फिर भी विशेष विशेष तिथियों पर ब्रजवासी लगाते थे। तो जब वो वर्तमान जगन्नाथ घाट से निकलते थे परिक्रमा करने वाले, तो झुरमुटों में से, कुंजों में से बाबा के रोने की आवाज आती थी, हरी हे हरी, हे हरी हे हरी, हे गोविंद हा राधा, ऐसे रोने की आवाज आती थी। और हर समय वो हरी हरी तो रटते ही थे, हे हरी ऐसे आवाज आती थी, रोते रोते पुकारते थे। तो उनका नाम भी क्या था ये भी पता नहीं, भक्तों ने ही उनका नाम हरिदास रख दिया। और फिर किसी के पास समय होता था तो परिक्रमा में रुक के चला भी जाता था उनके पास में, और कुछ होता था तो चना गुड़ कोई आना दो आना चढ़ा देता था, पर चढ़ा दिया तो ठीक, नहीं चढ़ा दिया तो ठीक, वे पड़े हैं अपनी मस्ती में। फिर कुछ लोगों को जिज्ञासा हुई कि बाबा से पूछें, बाबा कहाँ के हैं, यहीं के हैं कि बाहर से आए, कब आए, कैसे आए। पर आश्चर्य होगा कि उन हरिदास बाबा जी को अपने जीवन का पूर्व वृतांत तो ही याद नहीं था। एक ऐसी स्थिति भी होती है जैसे शबरी जी, शबरी जी को अपना नाम ही याद नहीं रहा। ये जो शबरी नाम है ये तो इसलिए है कि वो शबर कुल में उत्पन्न हुई, इसलिए शबरी कहा जाता है। भीलों ने पाला इसलिए भीलनी कहा जाता, ये नाम थोड़ी था उनका। उनका नाम क्या था वो किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं, वो ऐसे भजन में लीन भई कि उनको राम नाम याद रहा, अपना नाम तो भूल ही गई वो। केवट, उनको भी अपना नाम याद नहीं, किसी ग्रंथ में कोई लिखा है दिखाए कि केवट का क्या नाम था, वो केवट तो कहते हैं नौका चलाने वाले को, बाकी तो उनका नाम क्या था ये तो किसी को नहीं पता पड़ा। ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो ऐसे लीन होके भजन किए कि रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे न रहे, दिन रैन हरि का ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे न रहे, मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा धन धाम रहे न रहे, मेरी गोविंद संग पहचान रहे, कोई और पहचान रहे न रहे, तेरी करुणा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे न रहे। बलिहार, तो उनका
पूर्व जीवन क्या था कुछ नहीं पता, वो पड़े रहते थे और बस किसी तरह से निर्वाह होता था, उस तरफ ध्यान ही नहीं था, देह के धर्म के प्रति बस नाम और धाम, धाम में पड़े हैं और इस आशा से पड़े हैं कि इस ब्रजरज का स्वयं श्री कृष्ण ने सेवन किया है, इस ब्रजरज का आश्रय ही ब्रजराज से मिलाने के लिए पर्याप्त है, ये ब्रजरज बड़ी सामर्थ्यवान है, इस ब्रज का आश्रय लेकर के नाम जपा जाए कल्याण में संशय नहीं है। और जगह हजार साल का भजन यहां एक दिन के भजन की क्षमता नहीं रखता। ये बातें हम ऐसे नहीं कह रहे, ये श्लोक सब पुराणों में भरे पड़े हैं, अगर उन सब बातों को अधिक करें तो चरित्र रह जाए, रसिकों की वाणियां पुराणों के श्लोक भरे पड़े हैं। हजारों बरस का भजन यहां के एक दिन के भजन की तुलना नहीं कर सकता, क्या कहना। तो वो ब्रजरज में निवास करते और नाम रटते रहते और अनुभव तो उनको होते ही होंगे, विशेष तो अपने बारे में नहीं कुछ बताते थे, पर बस रोते रहते पड़े रहते। और श्री युगल सरकार का तो वो ध्यान करते ही थे, श्री महाप्रभु जी का चरित्र उन्होंने सुना था, गौर कथा उन्होंने सुनी थी और ग्रंथों में पढ़ी भी थी। और हम प्राय निवेदन करते हैं कि रामायण जीना सिखाती है, भागवत जी मरना सिखाती हैं और गौर कथा रोना सिखाती है। तो गौर कथा की कृपा से, महाप्रभु जी के चरित्र की कृपा से उन्होंने गोविंद के लिए रोना सीख लिया था। और जब महाप्रभु जी की नीलाचल लीला का, जगन्नाथपुरी की लीला का उन्होंने श्रवण किया तो जगन्नाथ जी का स्वरूप उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। और जगन्नाथ जी का स्वरूप क्या है आप सब जानते हैं, कथा में, गौर कथा में सुनते हैं कि द्वारिका जी में रोहिणी जी भगवान की रानियों को ब्रजलीला सुना रही थी और ब्रजलीला में भी रासलीला, श्री राधा के प्रेम का वर्णन कर रही थी। तब अपनी मां रोहिणी के मुख से छिपकर दरवाजे पर श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने, सुभद्रा जी ने उस ब्रज की कथा को सुना था। और उस ब्रज की कथा को सुनते सुनते उसमें भी विशेष रूप से राधा रानी के प्रेम की चर्चा को द्वारिका में सुनते सुनते श्री कृष्ण प्रेम में गल गए थे, उनके सारे अंग सिकुड़ गए थे, एकदम शरीर अंडाकार हो गया था। उसी रूप का नारद जी ने दर्शन किया था और वर मांगा था, इस रूप में आप कल युग में प्रकट होइए। तब ठाकुर जी ने जगन्नाथ जी के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में अवतार लिया था, इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ पांव नहीं, अंडाकार ही शरीर है, बड़े बड़े नेत्र हैं। तो जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है वह श्री राधा प्रेम में विगलित श्री कृष्ण है। इस चर्चा को हम लोग गौर कथा में खूब विस्तार से सुनते हैं। तो जगन्नाथ जी तो श्री राधा के प्रेम में व्यथित विगलित श्री कृष्ण है और गौरांग कौन है? गौरांग श्री कृष्ण के प्रेम में विगलित श्री राधा है। राधा रानी को जो विरह होता है, जो प्रेम सुख का आस्वादन होता है, उसी को चखने के लिए तो श्री कृष्ण गौरांग बने ना। तो श्री गौरांग श्री कृष्ण की विरह में संतप्त श्री राधा हैं और श्री जगन्नाथ जी श्री राधा के विरह में संतप्त श्री कृष्ण हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी में वास किया और जगन्नाथपुरी में गौर जगन्नाथ जी का जो मिलन हुआ, महाप्रभु और जगन्नाथ जी का जो मिलन हुआ, वही यथार्थ रूप में वृंदावन का युगल मिलन है। इसलिए जगन्नाथपुरी की भी सेवा परिपाटी ब्रज पद्धति पर है। रात को गीत गोविंद सुनाया जाना, रात के समय निकुंज भावना में फूलों का श्रृंगार होना, पुष्प मालाओं को ही पौढ़ाना। तो श्री महाप्रभु जी राधिका हैं, श्री जगन्नाथ जी श्री कृष्ण हैं। स्वयं राधा रानी ने जगन्नाथपुरी में रह करके अपना मनोरथ पूर्ण किया है। तो
इन लीलाओं को सुनकर के महाप्रभु जी के चरण कमलों में तो उनकी अनन्य निष्ठा थी, श्री जगन्नाथ भगवान के प्रति भी उनकी अनन्य निष्ठा हो गई। और लीला का चिंतन करते करते जब चिंतन के धरातल पर कोई भक्त होता है तो फिर वो प्रवाह कहाँ को बहेगा, और जिसके भीतर जो योग्यता है प्रभु उसको वहां स्थापित कर देंगे। जैसे एक पिता के चार बालक हैं, कोई डॉक्टर की लाइन में जाता है, कोई इंजीनियर की लाइन में जाता है, कोई कुछ और बनता है, सबके भीतर एक संभावनाएं होती हैं। अब किसी की लाइन थी नौकरी की, उसमें संभावना थी नौकरी की, कराए व्यापार ठीक ही नहीं बैठ पाया, सफल ही नहीं हो पाया। जिसके भीतर जो संभावनाएं होती हैं उसके अनुरूप उसको पथ मिल जाए तो विशेष सफल होता है, नहीं मिले तो उतना सफल नहीं होता। तो भगवत लीला चिंतन के प्रवाह में बहते बहते फिर प्रभु को जिसको जहां स्थापित करना है, गुरुदेव को जिसको जहां स्थापित करना है, जिस लीला के वो पात्र हैं वही उनको विराजमान कर देते हैं और अपना मनोरथ पूरा कर लेते हैं। तो वो हरिदास जी गौर लीला का आस्वादन करते और श्री जगन्नाथ जी के प्रेम में डूबे रहते, और जगन्नाथ जी का भी ऐश्वर्य रूप में चिंतन नहीं करते थे कि वो जगतनाथ हैं। किस रूप में चिंतन करते थे कि राधा रानी के प्रेम में विगलित श्री कृष्ण जगन्नाथ हैं। वे जगन्नाथ श्री कृष्ण हैं जो रहते तो द्वारिका में हैं पर प्रतिदिन राधा राधा कहके रोते हैं, प्रतिदिन ब्रज को याद करके रोते हैं। और इन लीलाओं का चिंतन करते 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 वे इतने विरह में भर गए कि व्याकुल रहने लग गए। रात दिन उनका उन्माद और हे हरि हे गोविंद हे कृष्ण प्रारंभ हो गया। और इस भाव का आस्वादन करते 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 अब उनको श्री जगन्नाथ जी का अनुभव होने लग गया और दर्शन होने लग गया। और उसी दर्शन के क्रम में चलते 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 अब दर्शनों की भी एक अवस्था है, स्वप्न का दर्शन, प्रकट का दर्शन, सर्वत्र दर्शन हम सुनते हैं। अब वृंदावन में रहते रहते उनको सर्वत्र वृंदावन राधा कृष्ण में दिखाई देने लग गया, लेकिन इस बात की पीड़ा, अरे ठाकुर तो ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, राधा रानी बहुत दुख पा रही हैं श्री कृष्ण के बिना, कैसे हो, कैसे दोनों का दुख दूर हो। और गौर कथा में एक बात और सुनते हैं आप कि जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, हर वर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है ना, आषाढ़ शुक्ल द्वज को चलते हैं ठाकुर जी रथ में बैठकर। कहां जाते हैं? गुड़ीचा मंदिर। गुड़ीचा मंदिर क्या है रसिकों की भावना में? गुड़ीचा मंदिर है वृंदावन सुंदराचल, और जगन्नाथ जी का मंदिर है द्वारिका। तो रथ यात्रा के पीछे भाव क्या है? ये भाव महाप्रभु जी ने प्रदान किया, उससे पहले भाव नहीं था। महाप्रभु जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में इस भाव का आस्वादन करते हैं कि ठाकुर जी दो दिन की कह के गए ब्रज को छोड़ करके, दो दिन की कह के गए ना यशोदा जी को कि मैया दो दिन में आऊंगा, परसों आ जाऊंगा, परसों की बरसों हो गई, गोपाल नहीं आए, ब्रजवासी रोते रोते अंधे हो गए। फिर कितने दिन बाद ब्रजवासियों को गोविंद मिले आप जानते हैं? भागवत जी में वर्णन है 100 वर्ष बाद, 100 साल बीत गए जब ठाकुर जी कुरुक्षेत्र पधारे सूर्य ग्रहण के अवसर पे, और नंद बाबा यशोदा जी को पता चला और ब्रजवासी गए। और फिर जब मिलन हुआ अद्भुत, तब अब वो जो 100 वर्ष का एक लीला आग्रह था, एक श्राप वाली कथा भी है, वो समय पूरा हो गया, तब ब्रजवासी अब छोड़ने को राजी नहीं हुए और सब ने प्रभु को आग्रह किया, प्रभु ने स्वीकार भी किया। तब सब ब्रजवासी भक्तगण रथ में बिठा करके ठाकुर जी को कुरुक्षेत्र से ब्रज ले आए। पुनः 100 वर्ष लीला पूरी करके प्रभु पुनः ब्रज में आए, फिर दो रूप हो गए, वसुदेव नंदन रूप से द्वारिका लीला का समाधान किया और नंद नंदन रूप से ब्रज में आए, और फिर ब्रज लीला भांडीर वन में लोप हुई। ये सब कथा श्री राधा रानी के चरित्र में हम लोगों ने सुनी है।
तो रथ यात्रा को जो भाव होता है वो क्या होता है महाप्रभु जी का, कि ठाकुर जी को कुरुक्षेत्र में पाया है 100 बरस बाद, और कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ब्रजवासियों को 100 बरस बाद मिले हैं, और राधा रानी अपने प्रियतम को, नंद जशोदा जी अपने लाला को, गोपीगण अपने प्राणमल्लभ को, ग्वालवाल अपने सखा को रथ में बिठा करके, और रथ में भी कोई घोड़े बैल नहीं लगे हैं, रथ में स्वयं ब्रजवासी लगे हैं, भक्त लगे हैं, और अपने ठाकुर ठाकुरानी को रथ में बिठा करके ब्रज लेके जा रहे हैं। ये भावना है, आस्वादन ये है। तो इसलिए जगन्नाथ भगवान रथ में बैठते हैं, पर क्या हाथी घोड़े लगते हैं उसमें? नहीं नहीं, भक्त लोग तो खींचते हैं हाथ से। तो भावना ये है। तो वो चिंतन करते रहते थे हरिदास जी, और चिंतन करते 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 उनकी ऐसी भावना बनी कि विह्वल होने लग गए, और कैसे ठाकुर जी का दुख दूर करूं। विकल हो गए, मूर्छित रहने लग गए। उसी मूर्छावस्था में जगन्नाथपुरी में मंदिर में विराजमान ठाकुर जी ने उन हरिदास जी को स्वप्न दिया, और स्वप्न दे करके कहा, हरिदास हरिदास हरिदास। अब उसको स्वप्नादेश मानिए कि तंद्रा मानिए कि प्रकट मानिए, उठ बैठे, और जो जगन्नाथ जी को मुस्काते देखा, बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन भगवान भी साथ, प्रणाम किए उस आवेश में, पागल हो गए, स्तुति किए। तब ठाकुर जी ने कहा, हरिदास मैं वृंदावन आना चाहता हूं, वृंदावन आना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए, अब मैं वृंदावन वास करना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए द्वारिका गए हुए, अब वृंदावन वास करना चाहता हूं। अब वो हरिदास जी तो अवाक, हाथ जोड़ करके प्रभु से बोले, प्रभु आप कैसे ब्रजवास करोगे, मैं क्या कर सकता हूं? अरे हरिदास, वही बताने के लिए तुझे स्वप्न दिया है, आज्ञा करिए। जानता है इस बार अधिक मास है। जी प्रभु, इस बार अधिक मास है। कौन सा महीना अधिक है? आषाढ़ का मास अधिक है। इस बार आषाढ़ का महीना अधिक कितने वर्षों में पड़ा है? याद नहीं प्रभु। इस बार आषाढ़ 36 वर्ष बाद अधिक पड़ा है। अधिक मास तो हर तीसरे वर्ष आता है, पर कभी कोई महीना अधिक होता है, कभी कोई महीना अधिक होता है, लेकिन जब आषाढ़ अधिक पड़ता है तब क्या होता है आप जानते हैं? तब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के विग्रह परिवर्तन होते हैं। जिन जगन्नाथ जी का हम दर्शन करते हैं, उन जगन्नाथ जी के नए विग्रह बनते हैं, उसकी पूरी विधि है। और फिर क्या होता है, जो जगन्नाथ जी हैं ना पुरी में, उनके इस कंठ वाली जगह पर एक छोटी सी दराज है यहां पर, और उसमें ब्रह्म नाम की वस्तु रखी है। वो क्या है कोई नहीं जान पाया। और जब दो आषाढ़ पड़ते हैं तब पहले नए विग्रह तैयार होते, उसकी एक पूरी विधि है। और फिर आषाढ़ कृष्ण अमावस्या को गर्भगृह में दोनों विग्रह रखे जाते हैं, माने दोनों जगन्नाथ, दो बलभद्र, दो सुभद्रा, दो सुदर्शन। और फिर एक शबर कुल है वहां पर जो ये सेवा करता है, उनमें से किसी को परिवार है, अवसर प्राप्त होता है, उनको रात के अंधेरे में आंख पर, हाथ पर, सब पर पट्टी बांधकर भेजा जाता है। कोई अज्ञात शक्ति वो काम करवाती है, और वो उस अंधेरे कक्ष में ब्रह्म परिवर्तन करते हैं। ब्रह्म परिवर्तन माने पुराने जगन्नाथ जी के कंठ में वो जो ब्रह्म नाम की वस्तु रखी है, वो क्या है कोई जान नहीं पाया, उनको पुराने विग्रह में से निकाल करके नए विग्रह में विराजमान कर दिया जाता है। और नए विग्रह में विराजमान करते ही क्या होता है, जो पुराने विग्रह होते हैं वे तो
शिथिल हो जाते हैं और जो नए विग्रह होते हैं वो जागृत हो जाते हैं और फिर उन पुराने विग्रह को मंदिर में ही एक कोयली वैकुंठ नामक स्थान है वहां पर समाधिस्थ किया जाता है। पहले समय में समुद्र प्रवाह भी होता था, समुद्र में पुराने विग्रह विसर्जित होते थे, नए कब होता है जिस साल दो आषाढ़ पड़ते हैं, और महीना अधिक पड़े तो नहीं, सावन पड़े, भादो पड़े, फाल्गुन पड़े, नहीं, जब दो आषाढ़ अधिक पड़ते हैं। कब पड़ते हैं? ये 12 बरस से लेकर के 36 बरस के बीच में कभी भी पड़ सकते हैं। ये जिस बार की आपको घटना सुना रहे हैं तब 36 वर्ष बाद दो आषाढ़ पड़े थे। ठाकुर जी ने उन हरिदास जी को कहा, हरिदास इस बार 36 वर्ष बाद दो आषाढ़ पड़ रहे हैं तो विग्रह परिवर्तन होगा मंदिर में, तुम जानते हो? जी जानता हूं। तो मेरे पुराने विग्रह राजा जल में विसर्जित कर देते हैं, तुम इस बार जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से पुराने विग्रह की जिनका विसर्जन होता है भिक्षा मांगो पुजारियों से, राजा से, और उनको ला करके जहां तुम रहते हो वहीं स्थापित करो। उन पुराने विग्रहों के रूप में मैं सदा ब्रजवास करना चाहता हूं, मैं ब्रजवास करना चाहता हूं, ये काम तुम करो। और बंधुओं, जैसे वो सवेरे उठे, स्वप्न में सब ये लीला देख रहे थे, और जैसे उठे रोते रोते, हा जगन्नाथ, हा बलभद्र, हा सुभद्रा, हा सुदर्शन, भगवान तो नहीं दिखाई दिए पर जहां रज में पड़े रहते थे वहां तीनों ठाकुर जी के चरण चिन्ह छपे हुए थे, पुष्प गिरे हुए थे, तुलसी चढ़ी हुई थी। तब तो वो हरिदास पागल हो गए, अब जो हो जाए सो हो जाए, मेरे ठाकुर ने मुझे जिस सेवा का आदेश दिया है प्राण छूट जाए वो सेवा करूंगा। और उसी समय वे हरिदास वृंदावन से कहां चले गए? जगन्नाथपुरी। हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ कीर्तन करते हुए पहुंचे, और उस समय विग्रह परिवर्तन की ही तैयारी चल रही थी, आषाढ़ था, 5-7 दिन बाद ब्रह्म परिवर्तन होना था, तैयारी चल रही थी। अब वो हरिदास जी पहुंचे मंदिर में, उन दिनों मंदिर तो बंद रहता है, जो पुजारी अधिकारी थे उनके पास पहुंचे, प्रणाम किया और अपने स्वप्न की सारी बात उन पुजारी अधिकारियों को बता दी। पर सबने हाथ खड़े कर लिए, अरे बाबा कैसी बात करते हो, लाखों साल पुरानी जगन्नाथ जी की परंपरा है, पुराने विग्रह जल विसर्जित होते हैं, समाधि दी जाती है, किसी को दिए नहीं जाते, कहीं विराजमान नहीं होते वो ठाकुर, और आप ऐसी बात कर रहे हो, हम लोग तो सेवा करने वाले हैं, ये बात सुनना कहना भी अपराध जैसा है। हरिदास जी ने कहा, नहीं नहीं मुझे भगवान का आदेश हुआ। अरे हमसे मत करिए ये बात, किससे करूं, मंदिर के स्वामी तो राजा हैं, उनसे बात करिए। तब वो हरिदास जी पुरी के राजा के पास गए, प्राचीन समय से पुरी में राजाओं का राज है, अभी भी राज तो राजाओं का नहीं रहा पर जगन्नाथपुरी में विशेष विशेष अवसरों पर राजा अब भी आते हैं। जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है तो आज भी जो राजा के वंशज हैं वो सोने की मूठ वाली बुहारी से जगन्नाथ जी के रथ का रास्ता साफ करते हैं, चांदी के कलश में ठाकुर जी के रास्ते में केसर जल का छिड़काव करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, प्रथम पूजा करते हैं, तभी रथ चलता है। तो आखिर में उन राजा से जाकर के मिले, उन्होंने सम्मान किया, चूंकि हरिदास जी ब्रज से आए थे इसलिए भी, लेकिन जब से उनको भगवान का स्वप्नादेश प्राप्त हुआ तो शीशे की तरह उनका मुख दमक रहा था, प्रकाश फूट रहा था। तो राजा ने प्रणाम किया, आसन दिया उनको, पूछा कहिए क्या सेवा है। तब हरिदास जी ने राजा को सारी बात बता दी और हाथ जोड़कर कहा, मुझको जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया है, आप वो पुराने विग्रह मुझे दे दो, मैं वृंदावन ले जाके स्थापित करूंगा। राजा ने बात सुन तो ली पर हरिदास जी से कहा, महाराज स्वप्न आपको हुआ है, मुझको तो नहीं हुआ, मैं आपका स्वप्न हुआ ये बात कैसे मान लूं, मुझे भी तो होना चाहिए,
अगर ठाकुर ये ऐसी लीला कर रहे हैं, मैं आपकी बात कैसे मान लूं? और इतनी पुरानी मेरे पूर्वजों की जो रीत है विग्रह विसर्जन करने की, उसको छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? मंदिर की विधि में जरा कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा आपको। हरिदास जी राजा के दरवाजे पर पड़े, पर राजा भी विवश थे, कभी किसी पंडा से कहें, कभी पुजारी से कहें, और करते करते वह अमावस्या की तिथि आ गई, जिस दिन विग्रह में ब्रह्म परिवर्तन होना था और पुराने ठाकुर विसर्जित होने थे, नए ठाकुर रथ में विराजमान होने थे। अब बेचारे वो गरीब साधु क्या करें, ना पुजारी सुने ना राजा सुने, और किससे बात करें? तब आखिर में उन हरिदास जी ने निश्चय कर लिया कि अगर ये बात पूरी नहीं होगी, अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकता मैं किसी के साथ में, पर मैं तो जानता हूं मुझे प्रकट होकर ठाकुर जी ने आदेश दिया है, और यदि अब इन लोगों ने, मैं जो कर सकता था कर चुका, अब यदि इन लोगों ने ठाकुर जी को समुद्र में विसर्जन कर दिया तो मैं अब जीवित वृंदावन नहीं जाऊंगा। ये लोग समुद्र में विग्रह विसर्जन करेंगे और मैं भी समुद्र में अपनी देह का विसर्जन कर दूंगा, पर लौटूंगा नहीं। तब इधर तो आषाढ़ी अमावस्या को ब्रह्म परिवर्तन हो रहे थे और उधर बाबा हरिदास जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, अपने शरीर पर शिला बांध ली, पत्थर बांध लिए ताकि डूबू तो निकलू नहीं, और समुद्र में डूबने की तैयारी करने लगे। अभी बस सवारी आएगी विग्रह विसर्जन की, मैं भी उसी समय कूद जाऊंगा। और जब बिल्कुल भक्त के प्राणों पर बने आई, तब जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्नादेश दिया। अब राजा को स्वप्नादेश दिया, जितने पुजारी अधिकारी थे सबको स्वप्नादेश दिया। राजा से कहा, राजा वह वृंदावन से जो भक्त हरिदास आए हैं, मेरी इच्छा से ही आए हैं, तुम मेरे पुराने विग्रह उनको प्रदान कर दो, मैं वृंदावन वास करूंगा। अब सबको एक सा स्वप्न हुआ, और जब विसर्जन सवेरे करने थे, सबने एक दूसरे को ये बात बताई, और कहां तो धुतकार के भगा दिया था, कहां पूरी पूरी में हरिदास 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 ढूंढ मच गई। और तब कहीं समुद्र तट पर हरिदास जी मिले, हरिदास जी को लाया गया, राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम हरिदास जी के लिए किया, और तब जो पुराने विग्रह थे बंधुओं, आश्चर्य आश्चर्य, नए विग्रहों के तो रथ बने ही थे, वो तो गुड़ीचा मंदिर तक जाते हैं फिर लौट आते हैं। अब हरिदास जी की भावना से संतुष्ट होकर राजा ने बड़े भव्य तीन रथ बनवाए, और शुभ समय में उन रथों में पुराने ठाकुर जी विराजमान किए गए। और आश्चर्य होगा बंधु, हमारे वृंदावन का इतिहास है, ये घटना लगभग 1800 सन की है, पूरे लेख इतिहास मौजूद है। और तब वो हरिदास नामक महात्मा, तब तो पूरे जगन्नाथपुरी में आग की तरह बात फैल गई, भक्त तो कितने थे, लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं रथ यात्रा में, तो अरे कोई हरिदास आए हैं वृंदावन से, ठाकुर जी वृंदावन जाना चाहते हैं, ठाकुर जी वृंदावन जाना चाहते हैं। उस रथ यात्रा में तो लोग थे ही जो जगन्नाथपुरी में निकलनी थी, सैकड़ों सैकड़ों लोग हरिदास बाबा के संग लग गए। और आश्चर्य होगा कहां उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और कहां वृंदावन, सैकड़ों हजारों भक्त लोग उन बाबा हरिदास जी के सानिध्य में श्री ठाकुर जी को रथ में बिठाकर जगन्नाथपुरी से खींचते हुए श्री वृंदावन लेकर के आए। और बंधुओं, तब शुभ समय में, अब ठाकुर जी ने सब बात बता दी थी, ऐसे मंदिर का निर्माण करना और ऐसे, और जब विशाल रथ ब्रज में आया, अब ठाकुर जी तो पीछे आए, पहले खबर आ गई ब्रज में, ब्रजवासियों ने अपने अपने घरों को सजाया, दरवाजे पर केले के खंभ लगाए, दीपक जोड़े, आरती, महान उत्सव मना। और उस समय तो जमीनों का इतना कोई मूल भाव नहीं था, झगड़ा नहीं था, सहजता में जगन्नाथ जी के लिए खूब विशाल खंड जहां तक संभव था वह प्रदान किया गया,
और पहले तो हरिदास जी ने उस पेड़ के, उन पे तो कुटिया भी नहीं थी बाबा के पास, तो आज तो शायद सबसे बड़े मंदिरों में है वृंदावन के जगन्नाथ भगवान का मंदिर, पर बाबा में तो कुटिया भी नहीं थी। वहीं ठाकुर जी को अपना वस्त्र बिछा के विराजमान कर दिए, पर सब भक्तों ने कहा बाबा अब तो मंदिर बनना चाहिए, ठाकुर जी की भी यही इच्छा थी। तब विशाल मंदिर का निर्माण हुआ और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को ही ठाकुर जी मंदिर में विराजमान किए गए। और ठाकुर जी विराजमान हो गए फिर तो कितने शिष्य सेवक हो गए, सारे ब्रजवासी उमड़ पड़े। और इधर ठाकुर जी सुख से विराजमान हुए, हरिदास जी ने आरती की, आखिर में दंडवत की, और हरिदास जी ने ऐसी दंडवत की कि उसके बाद वे उठे ही नहीं, ठाकुर जी को दंडवत ही कर दी उन्होंने, मानो प्रभु ने उनको जीवन दान भी अपने इसी कार्य के लिए दे रखा था, वो जीवन इसीलिए मिला हुआ था, ये कार्य प्रभु को करवाना था। अब प्रभु तो और भी किसी से करवा सकते थे ना, पर अभी सुना ना, जैसे भक्त भगवान के प्रति मनोरथ करता है, भगवान भी भक्त के प्रति मनोरथ करते हैं, अब मेरा भक्त ये करे, अब मेरा भक्त ये करे। इसलिए जो भक्त महापुरुष की चेष्टाएं होती हैं वो उनकी अपनी नहीं होती हैं, संसारी की बात अलग है, नकली व्यक्ति की बात अलग है, पर जो भगवान के प्रेमी हैं, जो संत महापुरुष हैं, उनका संकल्प उनका नहीं, उनके हृदय में बैठे गोविंद ही संकल्प लेते हैं, वे संत महापुरुष तो पूरा करते हैं उसको। दंडवत प्रणाम किए, वही प्राण छोड़ दिए अपने। लेकिन आज तक श्री जगन्नाथ भगवान श्रीधाम वृंदावन में जगन्नाथ घाट जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। फिर आगे वाले भक्त लोग सेवा करते रहे, आज भी भक्तों के द्वारा दिव्य रूप में सेवा हो रही है। प्रतिवर्ष जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जिस दिन जगन्नाथपुरी में होती है, उस दिन मंदिर में भी, श्री वृंदावन में भी, जगन्नाथ मंदिर में भी रथ यात्रा होती है। पूरी परिक्रमा मार्ग में रथ निकलता है। इस बार ऐसी स्थिति थी तो ठाकुर जी ने, बहुत बड़ा मंदिर है तो भीतर ही ठाकुर जी मंदिर में घूमे। तीन रथ हैं पूरे दिव्य, और पुराना जो रथ था 225 वर्ष पहले उसका भी अंश है, जो भक्त महापुरुष लाए थे उन संत महापुरुष की भी समाधि है। और आज भी श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में जगन्नाथ घाट जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी सेवित हो रहे हैं। आप सबने न दर्शन किया हो तो अब की बार वृंदावन आए तो जरूर उन जगन्नाथ जी का दर्शन करें। वो वही जगन्नाथ जी हैं जो हरिदास जी लेके आए थे, और उनका विग्रह परिवर्तन नहीं होता, वो जस के तस हैं, विराजते हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज भी वो घाट जगन्नाथ जी के नाम से, जगन्नाथ घाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज ऐसे उन महान भक्त महात्मा हरिदास जी और श्री जगन्नाथ जी के पावन चरित्र को हमने श्रवण किया, और जैसा कि पूर्व में निवेदन किया, आज और जो कल बीत गया इन दो दिन में जोधपुर निवासी विष्णु नारायण जी का मनोरथ था, उन्होंने अपने पूज्य पिताजी के लिए, जिनका कुछ समय पहले ही शरीर छूटा है, और वो लोग सब परिवार बहुत समय से कथा सुन रहे हैं, और ये जो भक्तमाल जी की कथा चल रही थी ये तो क्रमबद्ध रूप में चल सुन ही रहे थे, पहले यहीं आकर के कथा सत्संग का विचार था, पर परिस्थितियां ऐसी कि आना नहीं हो पाया, तो ये लोग शरीर से तो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, जोधपुर में हैं, पर मन से यहीं उपस्थित हैं और कथारस का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आपके पूज्य पिताजी सेठ मदन गोपाल जी वैद्य के लिए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनको सदगति की प्राप्ति हो, और आप श्री कृष्ण भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। जब आगे अवसर मिले श्रीधाम वृंदावन आइए। आज वृंदावन की महिमा तो सुनी ही है, और यहाँ जो मनोरथ हो गया, सेवा हो गई, कथा हो गई, वो तो अनंत गुना फल है, और हम तो प्राय
वैष्णवों को कहते हैं, ऐसे तो भक्त लोग आग्रह करते हैं तो बाहर भी निरंतर जाते ही हैं, अभी इस परिस्थिति में नहीं जा रहे, पर उन भक्तों का भी भाव होता है कि यहाँ कथा होगी तो और अधिक लोग वैष्णव बनेंगे। पर हमारी पहली भावना यही रहती है कि जिन लोगों को वहाँ सुननी है उन सब लोगों को यहाँ ले आई है, वो सबसे अच्छा है, ये काम हो जाए। और जो नहीं आ पाए तो YouTube चैनल की इतनी सुविधा है, वो चैनल के माध्यम से सुने। तो आप सब तन से नहीं तो मन से निरंतर वृंदावन वास करिए, सब परिवार के लिए बड़ी बड़ी मंगल कामना करते हैं। और अब वाणी को विराम देंगे, कल फिर आगे भक्त चरित्र श्रवण करेंगे। अभी प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बो। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है। और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्ट प्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।